लाइट जा चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं दामोदर राव आप सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज फिर हम लोग वेव एंड फ्रेम स्टूडियो मुंबई में एक गाने की रिकॉर्डिंग किए। बहुत ही सुंदर गाना रिकॉर्ड हुआ और बहुत अच्छी सिंगर हमारे पास बैठी हुई हैं। इनका नाम है गुल सक्सेना। जी हाँ, गुल सक्सेना पहली बार हमारे म्यूजिक में इन्होंने गाना गाया और बहुत ही सुर में गाई। हमारी शुभकामना है कि ये आगे बढ़े, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और बहुत बड़ा नाम करें, देश का नाम रोशन करें। मैं चाहूँगा कि दो लाइन बोले कैसा लगा। पहली बार हमारे म्यूजिक में गाए हैं, मुझे बड़ी खुशी है और बहुत अच्छी आवाज़ में गाए, आवाज़ ही अच्छी है इनकी तो। बहुत अच्छा गाना था एक्चुअली, कॉम्पोजिशन इतना पावरफुल था कि मुझे गाने में एक्चुअली बहुत मज़ा आया। और आप लोग जब वो रिलीज़ होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है पर्सनली, आप लोग उसे ज़रूर सुनिए, अपना प्यार दीजिए। लेकिन आप पब्लिक को हम एक लाइन गाना भी सुनवा सकते हैं। गाना खुला है क्या जी? गाना सुनवाते हैं। जा भी वफा तुझको दिल से भुला देंगे, जा भी वफा तुझको दिल से भुला देंगे, रो रो के हम तो यारा तुझको भी रुला देंगे, जा भी दिल से हम भुला देंगे, जा भी वफा तुझको। ये आज रिकॉर्डिंग में उपस्थित हुए बड़े ही महान हस्ती। अरे महान, यहाँ पे आए हुए हैं, बड़ा आज रिकॉर्डिंग था। ये अपने बारे में कुछ बताएं क्योंकि ये सामने कैमरा। दामोदर जी का अभी गाना मैंने सुना, काफी बेहतरीन। पहले अपना परिचय दे दीजिए, आप बोलेंगे तो थोड़ा सा लोगों को। मैं मेरा नाम सत्यम आनंद जी है, मैं गजलें और भजन गाता हूँ। दामोदर जी मेरे मित्र हैं। बड़ा साफ टीवी की तरह दिख रहे हैं आप एकदम। और बस यूं ही आज इनके रिकॉर्डिंग में मुझे उपस्थित होने मेरा सौभाग्य है कि आप रिकॉर्डिंग में आप दर्शन दिए। आपके गानों को, भजनों को, गजलों को तो पूरा महाराष्ट्र, पूरा मुंबई सुनते रहती है। शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आप आए और ऐसी सुरीली सिंगर जो गाने का साथ में बैठे। बहुत ही बेहतरीन आवाज है कुलदीप, मैं आज सामने से, हालांकि पहली बार मैंने सुना। लेकिन आप नाम पहले से जानते थे? हाँ, नाम से मैं परिचित था। बहुत अच्छा लगा। और आपके साथ आपके एक पर्सनल गीतकार भी आए हुए हैं, करण राज। हमारे ही नहीं, सबके गीतकार हैं करण। एक्चुअली दामोदर जी के बारे में मैंने हरिश्चंद्र जी से सुना था और जितना सुना था उससे काफी, मतलब देखने में काफी अलग मिले। कहने का मतलब कि जो उन्होंने कहा था कि सादगी, तो सादगी तो खैर इनकी कहीं नहीं जा सकती है, बिल्कुल है। और ये आज हमारी खुशनसीबी है कि हम लोग यहाँ पे मिले हैं। क्या बात है, धन्यवाद। और साथ में गुल के पापा हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज दामोदर जी की जो रिकॉर्डिंग गुल सक्सेना ने की है, वास्तव में जो दामोदर जी ने कंपोजिशन की है, जो लिरिक्स हैं, इतने मजबूत और मज़ेदार हैं कि सुनने में मज़ा आ गया है। और मुझे लगता है कि गाना सुपरहिट नहीं, बहुत बड़ा छाने वाला है पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में। ये धूम मचा देगा। क्या बात है, इस तरीके से गाने में दम है। मैं तो रिकॉर्डिंग में साथ रहा हूँ, मैंने सुना है, ऐसा मजा आया है, गजब, वाह। क्या बात है, एक पिता के मुंह से ऐसी बातें, कितना दम है बातों में। हिट हो ना हो लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं तो ईश्वर सुनता है। और गुल सक्सेना अभी तक लगभग मुंबई का ऐसा कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है जिसमें कि गुल ने गाने ना दिए हों। सारे स्टूडियो में
और अभी तक कम से कम 300 से ऊपर ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर चुके हैं सारे स्टूडियो में। आ गए थे जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका रिकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि शायद औरों से सबसे ऊपर जाएगा, ये मेरी शुभकामनाएं लगता तो मुझे भी है। जी जी आपने जो किया है, जो गाया है, जो मैंने सुना है, वास्तव में लाजवाब है, गजब है, काबिल तारीफ। इसमें बहुत आपका योगदान है, ऐसे गाने को सब कुछ जो आपकी लड़की ने गाया है इसमें बड़ा योगदान आपका भी, बड़ी मेहनत है, बड़ी श्रद्धा है, थैंक यू, बड़ी उम्मीद है। थैंक यू सर। और ये सब समीकरण बैठाने वाले हमारे पास रिकॉर्डिस्ट बैठे हुए हैं अविनाश सिंह जी, यही बनाए कि मैं आपको एक सिंगर दे रहा हूँ। हम कहेंगे महाराज जब अच्छी सिंगर आपके पास थी तो इतना देर क्यों हुई, ये मुझे आश्चर्य लगा। और वाकई बहुत अच्छी आवाज़ है, मुझे बड़ी खुशी हुई, गुरु जी ने बहुत अच्छा गाना गाया। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि गाना इनका चले और चलेगा ही, जब सादगी से काम हुआ, ईमानदारी से काम हुआ तो ईश्वर सच्चाई के साथ रहता है। तो चलिए आप लोग, इतना सारा कमेंट आया, इम्तियाज़ शेख जी, आदित्य वर्मा, तो नाम लेने में असमर्थ हैं हम क्योंकि बहुत कमेंट आ गया। तो चलिए तहे दिल से सबको धन्यवाद, शुक्रिया, हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। आप लोग भी अपने कामों में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें। आज सत्यम आनंद जी आए, करण जी आए, बड़ी खुशी हुई मुझे, मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महारथी लोग आए और उनके उपस्थिति में गाना रिकॉर्ड हुआ। तो ये सब सारा प्यार गुल सक्सेना जी को भी मिल रहा है, बड़े लोगों का, तो हमारी शुभकामना है। और ज़रूर इनके आवाज़ में एक कशिश, एक दर्द है, इन्होंने बहुत दिल से गाया, एक एक शब्द का उच्चारण जो है इतने बढ़िया से किए, तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये गाना बहुत लोग देखें। तो चलिए आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना। करवा चौथ व्रत आज है, आज पूरे देशवासियों को, सारे मित्रों को, सारे दोस्तों को, करवा चौथ ऐसा व्रत है जो हर औरत, हर पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। और इस समय शाम को झरने के दिशा से चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ती है। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग। आज रिकॉर्डिंग संपन्न हुआ, अभी गाना तो आप लोग थोड़ा सा सुन ही लिए, तो हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं हम लोग।